हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले वीडियो में अपने हराया था आर्टिकुनो को, तो इस वीडियो में अभी भी सोच रहा हूँ कि मैं अपने टीम में रख लूँ मैनेक्ट्रिक को, जो कि अभी है इलेक्ट्रिक, तो अपन इसको इवॉल्व करने वाला है। पर आपसे मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे को ये मैनेक्ट्रिक अपनी टीम में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो पहले अपन मैनेक्ट्रिक को अपनी टीम में रख कर एक बार चेक करेंगे, और अगर आप सब बोलेंगे कि अपन को रखना चाहिए तो फिर अपन इस पोकेमॉन को गारंटी अपनी टीम में रख लेंगे। वैसे फ़िलहाल मैं मैनेक्ट्रिक को अपनी टीम में अलवन गोलम की जगह रख रहा हूँ। ये भाई प्रॉब्लम यह हो रही थी क्योंकि जो अलवन गोलम है वो रॉक टाइप भी और इलेक्ट्रिक टाइप भी है, तो मतलब रॉक टाइप है तो जिससे कि अपन को डिसएडवांटेज हो रहा था, वो बार बार मतलब वाटर टाइप पोकेमॉन उसको इजीली हरा रहे थे। तो मैंने सोचा कोई प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन रखते अपनी टीम में। तो हाँ, अपन मतलब अभी ट्राई करने वाले हैं अपने मैनेक्ट्रिक को। तो फिलहाल तो अपनी ये इधर वीआईटी ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने इधर परचेस कर ली है। तो अभी अपने जो मैनेक्ट्रिक ये रहा ना, तो इसको अपन अभी पार्टी में रख लेते पहले। तो अपन पहले पार्टी में ये अपन अलवन गोलम की जगह रख दिया। देखो मैंने इसको पहली प्लेस पर रखा है। ये देखो अलवन गोलम की एचपी मतलब 1100 थी और इसकी भी 1100 ही है, तो मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, खाली अटैक का डिफरेंस है। वो तो कोई नहीं, अपन नए अटैक सिखा लेंगे। तो फिलहाल तो अपन इसकी एचपी बढ़ा लेते। इसके जो लेवल है पोकेडेक्स का वो लेवल 2 का है, तो अपन लगभग इसका लेवल कितना करें, 4 कर दे या 5 कर दे। तो चलो देखते हैं, अपने पास जितना सामान है उतना इसका पोकेडेक्स लेवल बढ़ा लेते हैं। तो ये देखो 4 लेवल तो हो चुका है इसका इधर। तो अभी इसका अपन 4 हो ही गया, तो मैं क्या करूँ, 5 भी कर दूँ क्या? 5 कर ही देते, इसकी एचपी 100 को पार कर जाएगी। तो देखो, आप भी अगर अपने पोकेमॉन के एचपी बढ़ाना चाहते हो तो आप भी उनका मतलब पोकेडेक्स लेवल इंक्रीज करो, जिससे क्या होगा ये पोकेमॉन्स और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो अभी देखो मैनेक्ट्रिक लेवल 47 का तो हो चुका है, तो अभी अपन इसको टेस्ट भी करेंगे यार कि मतलब अलोलन गोलम को ये रिप्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता। और भाई देखो वीनसोर को भी इवॉल्व करना है, तो उसके लिए भाई मैं स्टोन्स इकट्ठे कर रहा हूँ। और भाई देखो मेगा विनोसोर का भी अपने रूट खुल चुका है, क्योंकि भाई मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी। तो देखो मेगा विनोसोर को हराने के लिए अपने ये मैनेक्ट्रिक टेस्ट कर रहे एक बार कैसा रहता है ये, क्योंकि भाई अपने इस मतलब इस बैटल में 3 स्टार नहीं है, तो अपने को 3 स्टार करने पड़ेंगे तभी अपन अपने मेगा विनोसोर का वो कलेक्ट कर पाएंगे वो मेगा स्टार। तो सामने वाले बंदे ने भाई वोल्ट्रॉप निकाला, तो वोल्ट्रॉप के सामने तो अपन को स्नोलैक्स को लगना पड़ेगा। ये देखो स्नोलैक्स आ गया, उसने सामने वाला बंदा भी लाइट स्क्रीन यूज़ कर रहा है, तो कोई ना अपन बॉडी स्लैम करते हैं। ओके स्पार्क यूज़ किया रे भाई, स्नोलैक्स को पैरालाइज कर दिया इसने। तो अभी ये बॉडी स्लैम अटैक करेगा कि नहीं करेगा ये देखने वाली बात है। चलो कर दिया इसने, गुड नाइस। थोड़ी सी एचपी बची, खाली 150 एचपी बची लगभग उसकी। फिर से स्पार्क किया, ओके नाइस। चलो पैरालाइज से मतलब नहीं हुआ, स्नोलैक्स तो अपना यूज अटैक यूज़ कर लिया इसने। तो ओके नेक्स्ट अपना था पिजियॉट है उसका। तो पिजियॉट के लिए अपन मैनेक्ट्रिक को एक बार देखते हैं, इसका मतलब अपने अभी तक टेस्ट नहीं किया इसका अटैक। और ये अपना अटैक लेवल 2 इसने गिरा दिया है। ओके लाइफ स्क्रीन उनकी डिसअपीयर हो चुकी है, तो अपन इसका डिस्चार्ज ट्राई करते कैसा है। क्योंकि अटैक किया, पिजियॉट पैरालाइज हो चुका है। ओके डिस्चार्ज, ओके नाइस, अच्छा है। अपन इससे भी पावरफुल मेरे पास डीएम पर है, तो मैं उसको सोच रहा वो सिखा दूँ। तो ब्लास्टर्स पर भी ट्राई करते हैं अपना डिस्चार्ज अटैक। ओके नाइस, डैमेज तो काफ़ी अच्छा दे रहा है यार वाटर पल्स का यूज़ किया ब्लास्टर्स ने। और अपन एक और बार डिस्चार्ज यूज़ कर दे, ओके नाइस। तो बस यही पोकेमॉन था ना मेरे ख्याल से। ओके एक और पोकेमॉन है क्या, बटरफ्री है, कोई बात नहीं, बटरफ्री को भी अपन डिस्चार्ज चला देंगे ईजिली। और इसलिए पाउडर यूज़ कर दिया यार बटरफ्री ने। अरे अरे ये गलत काम कर दिया बटरफ्री भाई ने यार। अपन जीत पाएंगे कि मतलब इसको 3 स्टार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अपन को ये पता नहीं चल रहा। एशियन पावर अपन यूज़ करते हैं, नाइस। अपन को मतलब 15 राउंड्स में भाई 3 स्टार करने पड़ेंगे। अरे बाप रे, अलग अजम आ गया। तो भाई अभी ये प्रॉब्लम वाली बात हो चुकी है कि मरेगा कि नहीं मरेगा 15 राउंड तक। अगर 15 राउंड तक मरता है भाई तो ही अपना 3 स्टार होगा ये गेम, तो मर जाना चाहिए यार ये। अरे यार खाली 75 HP बची है भाई, क्या ही किस्मत है। पर हो जाएगा ये, देखो हाँ हो गया, देखो हो गया 15 राउंड था ना, हो गया अपना कंप्लीट, मतलब एग्जैक्ट 15 राउंड में अपन ने कंप्लीट किया ये गेम को, मतलब ये बैटल को। तो अभी अपन को देखना है कि देखो मेगा शार्ड मिलता है कि नहीं मिलता अपन को विनसोर का। ये अपन ने स्वीप किया, इसमें तो नहीं मिला, एक और बार स्वीप करते अपन, इसमें भी नहीं मिला भाई, दे दो यार अपन 10 डायमंड्स देकर फिर से करते, इसमें भी नहीं मिला भाई, कोई नहीं एक और बार करते अपन। ओके फाइनली मेरे को एक विनसोराइट ये शार्ड मिल चुका है, इसमें भी नहीं मिला। तो भाई अपन को मतलब खाली एक ही मिला है भाई, तो इसको तो मतलब
इसको विनासोर को मतलब मेगा इवॉल्व करने में टाइम लगेगा। पहले तो अपन को आइवीसोर को विनासोर में तब्दील करना पड़ेगा। कोई ना, अपन कर लेंगे यार। फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ अपने जो मैनेट्रिक है उसको एक नया अटैक सिखा देते हैं, जो कि अपना कौन सा वाइल्ड चार्ज है ना, इसकी पावर 90 है ना, इसको सिखा देते अपने मैनेट्रिक को। वैसा मेरे को कमेंट करके बताना यार कि मतलब रखोगे नहीं रखो मैनेट्रिक को, या फिर कोई दूसरा नया पोकेमॉन रखूँ, मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन ही बताना जो कि रख सकते अपनी टीम में और काफ़ी तगड़ी टीम बन जाए जिससे अपनी। देखो डिस्चार्ज को हटा दे क्या, डिस्चार्ज को हटा देते, काम करते हैं, डिस्चार्ज को रिप्लेस कर देते ये फाइल चार्ज से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।